देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं अंसारुल हक। पूरे देश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव के संपन्न होने के बाद तमाम टीवी चैनल्स पे एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार की चार महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर कौन से उम्मीदवार किसके सर चढ़ेगा ताज, यह जानने के लिए आज हम आप हमसे जुड़े रहें और हम लेकर के आए हैं आपके लिए उत्तर बिहार का एग्जिट पोल। आज एसटीवी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ ये तमाम मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम बारी बारी से पूछेंगे, जानेंगे कि इनका प्रेडिक्शन क्या करता है और एसटीवी न्यूज की नजर में चार महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर किसके सर सेहरा चढ़ने वाला है, यह भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से। इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे दूं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र पहले बीजेपी के यहां से सांसद थे सतीश चंद्र दुबे। जब अलायंस हुआ बीजेपी का और जेडीयू का तो यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जिसके बाद से वहां पे कैंडिडेट चेंज हुए और जेडीयू से वैद्यनाथ महतो एनडीए की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर ऐसे तो कुल 13 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बीच हुआ है। यहाँ पे बीएसपी ने भी अच्छा काम किया है, इन्होंने भी अच्छा खासा वोट अपने अंदर ट्रांसफर किया है, लेकिन वो लड़ाई में नहीं है ऐसा सर्वे बताता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो कांग्रेस के खाते में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में ये सीट गई, वहां से बिहार के कद्दावर नेता रहे केदार पांडे के पौत्र शाश्वत केदार चुनाव लड़ रहे हैं। शाश्वत केदार अच्छी खासी फाइट दिए हैं यहाँ पे वैद्यनाथ महतो के, और सीधी टक्कर यहाँ पे बताई जा रही है कि वैद्यनाथ महतो और शाश्वत केदार के बीच है। अगर मतदाताओं की बात हम करें तो कुल मतदाता यहाँ पे 16,41,701 मतदाता हैं, पुरुष मतदाता जिसमें 8,82,211 हैं, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 7,59,491 महिला मतदाता इस सीट पर सांसद के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। जातीय समीकरण अगर हम बात करें तो यहाँ पे थारू मतदाता यहाँ पे सबसे बेहतर रोल प्ले करते हैं किसी भी सांसद को चुनने में। 17% इनकी आबादी है, मुस्लिम मतदाता 15% हैं और एससी मतदाता की अगर हम बात करें तो 14% इनकी तादाद है, ब्राह्मण मतदाता 11% हैं और यादव 8% हैं। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वाल्मीकि नगर से फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी विधायक हैं, रामनगर से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं विधानसभा में और नरकटियागंज से कांग्रेस के विधायक हैं। बगहा की बात करें तो बीजेपी और लौरिया में भी बीजेपी के विधायक हैं, सिकटा में जेडीयू के विधायक हैं। तो इन 6 विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में उनकी ये स्थिति है। तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे, एचटीवी न्यूज का क्या प्रेडिक्शन है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या प्रेडिक्शन है, उनका क्या अनुमान है इस पूरे जो कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा क्षेत्र है चार लोकसभा क्षेत्रों के बारे में। हमारे पास सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ललन पांडे जी, मीडिया प्रभारी हैं आकाश सिंह के, लाल बाबू एनडीए के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लाल बाबू जी महामंत्री हैं बीजेपी के यहाँ मोतिहारी के। उसके अलावा समाज सेवी जो है वीरेंद्र जलान जी हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जलान जी काफी मुखर व्यक्तित्व के माने जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। इंतजारुल हक साहब की काफी अच्छी पकड़ है और हमारे साथ अपना भी वो अनुमान बताएंगे। समाज सेवी सैयद मुबीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद मुबीन साहब जो है सामाजिक कार्यों में काफी रुचि और पॉलिटिक्स में खासा उनका नजर रहता है। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी हम आपका परिचय करा दें। पूर्वी चंपारण के बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट नागेंद्र जायसवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो तमाम मेहमानों का देवप्रिय मुखर्जी जी
सामाजिक सोशल सेक्टर से का एक जाना पहचाना नाम और रोटरी से जुड़े शख्सियत हैं। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम नागेंद्र जी से कर लेते हैं। नागेंद्र जी, क्या लगता है वाल्मीकि नगर लोकसभा जो क्षेत्र है इस पे कौन से उम्मीदवार इस बार जो है जीत रहे हैं? जी, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर बैठ कर केवल अनुमान कर सकते हैं, बिल्कुल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इस कंस्टिट्यूएंसी की बात है या इस क्षेत्र की बात है तो यहाँ पर जातीय समीकरण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कैंडिडेट को। उसी समीकरण के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज। हाँ। और आपकी नज़र में जो तमाम खबरें आप देखते आए हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो फाइट दे रहे हैं? तो अगर देखिए यहाँ पर है क्या जैसे केदार पांडे जी के पोता जो खड़े हैं तो अगर उनको कुछ खास लोगों का सहयोग मिला होगा तो फिर खास लोगों का सहयोग आपका मतलब क्या है? जहाँ जहाँ जो उस क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाते हैं जैसे जैसे कुछ स्टेट्स है उस साइड में तो काफी प्रभावशाली है, उन लोगों का अगर सहयोग मिला हो। आप थारू मतदाता की बात कर रहे हैं? ना, केवल थारू मतदाता ही नहीं है, और भी पहचान चुकी के इसमें पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और पांडे जी के पुत्र पोता के पास में पैसा का भी अभाव है, पैसा का अभाव है। हाँ, तो पैसा खास वर्ग की अगर जब आप बात कर रहे हैं नहीं, देखिए सारे समीकरणों को अगर मिलाया जाए जितने चीजों को जोड़ा जाता है आपको किसी भी चुनाव को जीतने के लिए तो वो तो जेडीयू प्रत्याशी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है आपकी नजर में। जेडीयू प्रत्याशी का पलड़ा भारी लग रहा है। ललन जी, आप तो अपने ही उम्मीदवार को जीतने का ये कर रहे हैं, लेकिन अगर बुनियादी स्तर पे देखा जाए तो आपके जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं शाश्वत केदार जी महागठबंधन के, उन्होंने उनका क्या कॉन्फिडेंस है और महागठबंधन का क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए वहाँ जो शाश्वत केदार जी हैं वहाँ लगभग 1.25 लाख वोट से बैद्यनाथ महतो जी को चुनाव हराएंगे, ये हमारी अपील पूरी तहकीकात वहाँ के लोगों से है। वहाँ कांग्रेस बहुत ही अच्छा जनाधार लेकर के चुनाव लड़ रही है, साथ में महागठबंधन के जितने भी साथी हैं। आप ये बताइए, दीपक कुमार यादव जी वहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार और ये माना जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट हैं ये आप ही के वोट में सेंधमारी किए हैं और आप ही का वोट काटे हैं, तो फिर आप ये दावा किस बेस पे कर रहे हैं? नहीं, वोट काटे नहीं। देखिए लड़ाई तो वहाँ सिर्फ दो आदमी की रह गई है, बैद्यनाथ कुशवाहा जी और शाश्वत केदार जी। ठीक है, तो शाश्वत केदार जी वहाँ चुनाव जीतेंगे निश्चित। वोट काटने के बाद जो बीएसपी के कैंडिडेट वो हम में सेंधमारी नहीं किए हैं, ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन हम लोगों का आकलन ये है कि हम सेंधमारी से जानते हैं। लाल बाबू जी, क्या कितने आश्वस्त हैं अपने कैंडिडेट बैद्यनाथ महतो जी के प्रति? आप देश की जनता ने वंशवाद पर करारा प्रहार किया है और सिर्फ बड़े आदमी के पुत्र होने या पोता होने से कोई चुनाव नहीं जीता, 2 लाख से ज्यादा मतों से एनडीए जीत रही है, केदार जी को कोई पूछने वाला नहीं है। आप 1.5 लाख से जीता रहे हैं, 2 लाख से 50,000 से ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया। वो तो 23 को पता चल जाएगा ना, 23 तारीख के शाम को 5 बजे हमारे बड़े भाई हैं लाल बाबू जी, इनको और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या होगा। नहीं, अगर तकनीकी रूप से अगर बात करें हम बुनियादी तौर पे जो लीगल है तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर, क्या कैसे वोट आपके पार्टी आपके जो उम्मीदवार हैं उनको ट्रांसफर हुए हैं जिसकी वजह से वो इतनी भारी बहुमत से जीत रहे हैं? देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 साल काफी अच्छा काम किया है। सतीश चंद्र दुबे हमारे सांसद थे, सीट गठबंधन को गया है, सतीश चंद्र दुबे ने काफी मेहनत की है और जो पार्टी काम करती है उसको जीतने का अधिकार भी है, जितना भी चाहिए। और इस आधार पर कि चूंकि हमने वहाँ काफी काम किया है या सरकार ने भी वहाँ काफी काम किया है, इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वह चुनाव हम जीत रहे हैं और बड़े मतों से जीत रहे हैं। आप जानते हैं कि जातीय फैक्टर बहुत काम करता है और हमें जो खबरें मिली है वहाँ से, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है ब्राह्मण जो समुदाय के जो शाश्वत केदार के ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो ब्राह्मण की आबादी कुल वहाँ 11% है। ब्राह्मण उम्मीदवार ये कह रहे थे कि पहले कुल तब फूल,
ये एक बड़ा झटका है वहाँ पे लगता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। ऐसा कोई झटका नहीं है, देश अब जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़ा है। जातिवाद इस देश में थोड़ा बहुत फैक्टर हो सकता है, निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता। यानी कि आपको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उम्मीद है कि ये कहीं गया नहीं होगा। अभिनेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए यह बात नितांत सत्य है कि हम लोग कुछ भी आकलन करते हैं, लेकिन जातीय व्यवस्था और उस आधार पर मतदान बिहार में एक सच्चाई है और हाल फिलहाल में इससे मुंह नहीं लगा। पहले वहाँ का प्रतिनिधित्व जो सतीश चंद्र दुबे जी करते थे और भाजपा के सांसद थे, उनके साथ वहाँ बहुत बड़े तबके के लोग जो उनको टिकट नहीं मिलने के कारण और बोलो अब बात का आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन वहाँ पे कौन से उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी हैं? देखिए वहाँ बीएसपी का जो उम्मीदवार है दीपक यादव, वो नजर आ रहा है कि देखिए जब महागठबंधन में एक जातीय समीकरण पूरे इस बिहार में अल्पसंख्यक यादव पिछड़े का प्लस जो उम्मीदवार है उसके साथ है, तो यादव उम्मीदवार बीएसपी से खड़ा हुआ है, तो अब ये देखने की बात है कि यादवों के वोट उनको कितने मिलते हैं या मिलते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक कारण होगा। बहुत बड़ी बात है, आपने यादवों का वोट कितना ट्रांसफर हुआ ये देखने वाली बात होगी वहाँ पे। इंतजार साहब आप किस नजर से देख रहे हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अनुमान को? देखिए वाल्मीकि नगर जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ थारों की जो आबादी है वही निर्णायक जी। और एक और बात बता दूं मैं, अगर पोलिंग का देखें रेशियो देखें तो हम महिलाओं की जो थारू समाज की महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर सकते हैं। आप शुरू से अभी नहीं पिछले चुनाव में भी देखें उससे पहले के चुनाव में भी देखें थारू समाज निर्णायक भूमिका में और इस बार भी थारू समाज निर्णायक। इस बार थारू समाज किधर गया? देखिए थारू समाज तो सब जो जानते हैं निर्णायक होता है, उन्होंने कभी नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार का साथ दिया, इस बार में जैसे उन्होंने थारू वोट जो है वहाँ पे निर्णायक होता है, ये सच्चाई है कि वहाँ पे थारू वोट निर्णायक है, लेकिन इसके साथ एक बहुत अहम वोटर है ब्राह्मण जाति का जो वोट है वहाँ पे वो बहुत निर्णायक भूमिका में इस बार रहेगा, क्योंकि वो एनडीए का वोट हुआ करता था और इस बार जैसा लोग कह रहे हैं कि पहले फूल फिर फूल, तो इस बार थोड़ी बहुत नुकसान जो है एनडीए को दिखती भी लग रही है, क्योंकि भाजपा ये ब्राह्मण वोट जो है वो इधर डाइवर्ट हुआ है और प्लस महागठबंधन से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज भी अगर आप जोड़ लेते हैं सबने से बैकवर्ड से या थारू से इस तरह के वोट वो इसमें जुड़े हैं, और प्लस एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर ये काम कर रहा है कि वहाँ पर जो अभी इसके जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो पहले सांसद रह चुके हैं और नए चेहरे को ज़्यादा इस बार तरजीह दी जा रही है हर जगह, उस हिसाब से लगता है कि शाश्वत जी जो है फाइट में हैं और लेडी फाइट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात कही सैयद मोबिन साहब ने कि वहाँ पे जो ब्राह्मण वोट थे ये एनडीए के पक्ष में हम परंपरागत वोट इसे मान सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे कैंडिडेट थे ब्राह्मण शाश्वत केदार महागठबंधन से यानी कांग्रेस से, इसलिए वो जो ब्राह्मण वोट का ट्रांसफर हुआ है ये कहते हुए एक जुमला वहां पे निकाला गया कि पहले फूल तब फूल, यानी कि पहले खानदान को देंगे तब जो है अपना फूल जो अपने पसंद का जो पार्टी है उसको लिए हम वोट करेंगे, ये कितना नुकसान कर पाएगा ये जो अभी जो स्ट्रक्चर बताया गया? सबका जो अपना अपना ओपिनियन दे हमको लगता है कि ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव इस बार का है ये बहुत ही कांटे का है और हम लोग एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेवर नो कि वो किस पल में बैठेगी और जो भी डिसीजन होगा बहुत मिनिमम मार्जिन का डिसीजन होगा, और बात सही है कि शाश्वत केदार उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और एक यंग है और आज के दिन में
जो यंग जनरेशन को पसंद कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है उनके लिए, और नेगेटिव है कि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एट द सेम टाइम जो हमारे एनडीए के हैं महतो जी वो एक कन्फर्म पॉलिटिशियन है, तो वो भी अपना जो भी जितना अपना एफोर्ट लगाना था पूरा एफोर्ट लगाया, तो इस हिसाब से बहुत क्लियर होके बोलना कि ये जीत रहा है चाहे ये हार रहा है ये संभव नहीं है, जो भी जीतेगा बहुत मिनिमम मार्जिन से, कांटे की लड़ाई के हिसाब से। लाल बाबू जी, यहाँ पे जो एक तो सबसे पहला जो एनडीए के साथ जो इस सीट से जो दुर्घटना हुई वो ये कि जो है पहले बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार हुआ करते थे, अब जेडीयू के उम्मीदवार, एक सिटिंग कैंडिडेट का जो है टिकट कट गया। उसके अलावा जो ब्राह्मण समुदाय से 700 किरदार आते हैं तो एनडीए का एक वोट उधर ट्रांसफर हुआ, और अभी जो खबर वहाँ से आई है जैसा रिपोर्टों में हम लोगों ने देखा है, थारू समुदाय 100% आपके साथ एनडीए के साथ नहीं रहा, थारू समुदाय का वोट भी जो है अच्छा खासा कटा है। तो ये सब जो परिदृश्य है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप और क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, मैंने पहले भी कहा है देश नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर अपना सांसद चुनने का काम कर रहे हैं, देश की जनता उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आती है, इसलिए ये सब जातीय फैक्टर वोट थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये सब राजनीति में होता रहता है। और गठबंधन का है तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी खुद वहाँ प्रचार कर भी गए थे, अर्थात नरेंद्र मोदी जी के लिए गठबंधन धर्म है, और एनडीए में भाजपा हो या जदयू हो हम लोग कोई उसको अंतर नहीं मानते हैं, और यह सीट हम भारी मतों से जीतेंगे, 2,00,000 मतों से जीतेंगे। चलिए, आपने नरेंद्र मोदी जी के उपलब्धियों की बात करी, वहाँ पे स्थानीय लेवल पर कुछ ऐसा बीजेपी के या एनडीए की तरफ से काम हुए हैं जिसकी बदौलत जो है आपको उम्मीद है कि जनता वहाँ की जो है एनडीए के पक्ष में ही मतदान करेगी? देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई और वाल्मीकि नगर सर्वाधिक गरीबी वाला क्षेत्र है, थारू समाज हो रंग भी जो पिछड़े अपने पिछड़े समाज के लोग हैं, सर्वाधिक लाभ पिछड़े वर्गों को हुआ है, और उस आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और वाल्मीकि नगर से हम भारी मतों से चुनाव चलेंगे। वीरेंद्र जलान जी, क्या लगता है आपको ये जो लाल बाबू जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिसके बूते ये चुनाव लड़ रहे हैं तमाम देश में तमाम जगहों पर, क्या वाकई जो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वहाँ तक के बूते वहाँ पे चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। एक बात को सबसे पहले ये उत्तर बिहार कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रत्याशी वाल्मीकि नगर से, और दूसरे जगह कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, महागठबंधन के दूसरे दूसरे दलों के प्रत्याशी, और कांग्रेस इस समय पूरे देश में बहुत एग्रेसिव होकर, चूंकि कांग्रेस इतिहास के बाद के न्यूनतम स्कोर पे आ गई थी, तो बहुत ही एग्रेसिव होकर वह चुनाव लड़ रही है, और केदार पांडे जी के पौत्र को वहाँ टिकट दिया गया है, तो पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि वो सीट को जीत कर निकालना है। दूसरी बात जो आपने नरेंद्र मोदी जी की बात कही, देखिए वो सीट पहले भाजपा की थी और आज नीतीश कुमार का मैं थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट देख रहा था टीवी पर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा को प्रज्ञा भारती को भाजपा से निकल देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी बहुत अच्छे राजनीति करते हैं और उनको सीट ज़्यादा मिले है, ये बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पर अगर नीतीश कुमार के उम्मीदवार के रूप में भी महत्व जीतते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि देश के लिए एक अच्छी बात होगी, कि एक केंद्र सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव का काम करेगा। क्योंकि देखिए, सीधी बात है कि देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनकी रक्षा हर हालत में होनी चाहिए, और जो विपक्ष है उसको भी मजबूत रहना चाहिए। तो इस रूप में वहां कांग्रेस का जीतना और कांग्रेस मेरे हिसाब से वहां बहुत अच्छा है। तो जी इंतजार साहब, कांग्रेस वहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार में एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली
भी है वो सासुर के दाग लगने वाली भी है। क्या कांग्रेस का उस तरह का फोकस था इस चुनाव में वहाँ की सीट को निकालने के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात इस कैंडिडेट की बात की जा रही है सासुर के दाग, ठीक है विरासत में मिली है, बड़े घर लेके रहे हैं, एक पहचान रही है, लेकिन तो यहाँ वही कहावत है कि केंद्रीय मन सुल्तान भूत मेरे बाप और साथ है, लेकिन मैं क्या हूँ इसको भी अभी के समय में देखने की जरूरत है। इनकी पॉलिटिकल पहचान क्या रही है ये भी वहाँ माने जाते हैं, उसको भी जनता अपने नजरिए से देख रही है और आत्म। चलिए ये प्रेडिक्शन है और ये ललन जी आपसे हम एक सवाल लेते हैं, क्योंकि अभी एक खबर आई है कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं शाश्वत केदार आउट ऑफ स्टेशन है, यानी वाल्मीकि नगर छोड़ चुके हैं, पटना में शिफ्ट हो गए हैं, ये इसके क्या अवसर है? लोग कह रहे हैं कि भाई वो पहले ही जो है अस्वस्थ हो गए हैं, अब क्या अस्वस्थ में क्या बताएं? नहीं ऐसी बात नहीं है, शाश्वत केदार जी फील्ड नहीं छोड़े हैं, बड़े लोग हैं, वर्क ज़्यादा है इसलिए पटना गए हैं कुछ काम से, बाकी सारे उनके कार्यकर्ता जो हैं अपने क्षेत्र में हर काम में लगे हुए हैं, उनके काउंटिंग की तैयारी चल रही है, हर चीज़ चल रहा है, आप वहाँ गए हैं और वहाँ अपने संवाददाता के माध्यम से पता भी करा सकते हैं कि सीट वहाँ कन्फर्म है, शाश्वत जी चुनाव भी जीतेंगे और थोड़ी बहुत कुछ काम है तो अपने क्षेत्र से बाहर तो जाना ही पड़ता है। चलिए हमारे संवाददाता तो वहाँ पे हमारे मौजूद हैं, लौरिया से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं प्रीतम कुमार। प्रीतम आपने चुनाव के दरमियान तमाम क्षेत्रों का दौरा किया है और तमाम लोगों से बात करी है, क्या माहौल है, कौन से प्रत्याशी इस बार चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल अंसारी जी मैं बता दूं, वाल्मीकि नगर एक लोकसभा जो क्षेत्र है ये काफी है, यहाँ पे कुल मतदाता 16,40,701 है, जबकि और यहाँ पे जाति समीकरण भी बना है, यहाँ पे लोगों ने वोटर जो है सबसे पहले जो हमारे यूपीए के जो क्या कहते हैं यूपीए के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के लोगों ने कहा था कि पहले हमारा कुल उसके बाद कमल का खून, इसी जाति समीकरण पे लोगों ने उनको जो है काफी हद तक वोट किया है। आपको बता दें कि सांसद जी जो यूपीए उम्मीदवार हैं ये है नंदन से 2 दिन पहले इस मैदान में कूदे हैं, यदि अगर 10-15 दिन पहले अगर मैदान में कोई कूदे होते तो हो सकता था कि उनकी जीत बहुत ही बेहतरीन स्थिति से होती, लेकिन थोड़ी बहुत ही चल रहा है कांटे के चक्कर चल रहा है, कहीं जाकर वो जो लीड कर रहे हैं सांसद जी। प्रीतम ये बताइए कि दीपक कुमार यादव वहां से बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चर्चा खास तौर से है और ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है अच्छा खासा वोट काट रहे हैं। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, दीपक यादव जो बगहा चीनी मिल के मालिक हैं उन्होंने भी जो है बीएसपी से चुनाव लड़ा था और खासकर बगहा के जो इलाका क्षेत्र है तराई इलाका उधर के वोटरों को उन्होंने लुभाने में काफी कामयाबी हासिल किया है, हालांकि जो बगहा से जब उन्होंने सूरत की ओर चला है तो उनकी जो है वोट प्रतिशत कम होती चली गई है। जी यहाँ पे जो बैद्यनाथ महतो है इससे पहले वहाँ पे सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के सांसद थे, क्या भाजपा को इन चीजों का भी नुकसान हुआ है, सिटिंग कैंडिडेट को हटाया गया है, यानी एनडीए को अगर हम बात करें तो नुकसान क्या इसका भी हो रहा है? निश्चित तौर पे इसके पहले वर्तमान सांसद सतीश चंद्र दुबे थे, लेकिन उनके नहीं रहने से कुछ वोटर तो कम वोटरों में कमी आई है। प्रीतम आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा संपर्क टूट गया है, फिर से हमें संपर्क करने की कोशिश करते हैं प्रीतम से, तो ये स्थिति है वहां पर।